मेरा जूता। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे, मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है। और जब से जूता लगाया है मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं नहीं मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता नहीं दूंगा, मेरे से होगा नहीं। अबे बिना पेंडी के लोटे तू इधर क्या कर रहा है? इधर खाना खाने आया था। अबे तू मेरे होटल का मैनेजर है, खाना इधर खाता है? क्या है कि मेरी तनख्वाह तो आपके यहाँ खाने पीने में चली जाती है, बचता क्या? आप सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर? अरे ये गोरा, ये मेरे होटल में रहता, खाना इधर खा रहा है। सिर्फ गोरा ही नहीं, ये काला, वो पतला, वो मोटा, ये सारे अपने होटल में रहते हैं लेकिन खाने यहाँ आ जाते। क्यों? मेरा खाना क्या सड़ा हुआ है? इनके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ से आपका खाना 4 गुना महंगा है, ऊपर से सेल टैक्स, मेल टैक्स, ये टैक्स, ऊपर से मेरे होटल में जो खाए एक बार वो आए यहाँ बार बार। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। कुछ नहीं। ये ढाबे वाला बहुत परेशान कर रहा है, इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा। ये जी मुझे कहाँ लेकर आ गए आप? बताता हूँ, ये पर्ट बोर्ड। वेरी गुड, भेज दो होटल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अबे ये बोर्ड मेरा नहीं है, मेरा बोर्ड ये। अरे बाप रे, महाराजा इंटरनेशनल का नया रेट। ये क्या, चिकन मसाला 175 का 25 रुपीस और राइस 120 का 20 रुपए, तंदूरी फिश 100 रुपए का 100 रुपए, और ये क्या, एक बियर के साथ कैबरे मुफ्त। क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद हो जाएंगे आप। उस ढाबे वाले को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बर्बाद होने को तैयार हूँ, मानता है ना मेरे दिमाग की स्कीम को? अब उस ढाबे पे कौवे भी नहीं बोलेंगे। अरे रे 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 रे, तुम सब लोग यहाँ बैठकर क्या खाना खा रहे हो? उधर वो 5-स्टार होटल में 20 रुपए में पेट भर के खाना, साथ में बियर और कैबरे भी फ्री में। क्या उठो, आप सच कह रहे? हाँ, चल के देखो, चल के देखते हैं। आओ जल्दी आओ, चलो यार। 20 रुपए में इतनी सारी। अरे आप लोग कहाँ भागे जा रहे हैं भैया? अरे अरे छोटू, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? आए, अरे राजा भैया उस चटवा के देखो, अपने होटल माँ खाना का दाम गिराए के और होटल माँ कैबरे डांस का प्रोग्राम जमाए के, ये अपने ढाबा के गिरावे का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ओहो, यानी के बुढ़ा चाल पे चाल चला जा रहा है। हाँ, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और साहब के बिल में हाथ डाल रहा है। हेलो, केके स्पीकिंग। सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे आपके दुश्मन का धंधा ऐसे साफ हो गया जैसे मुंडन के बाद सर के बाल साफ हो जाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, शाम तक देखना उसका ढाबा भी साफ हो जाएगा। और तू एक काम कर, कल रात की एक ट्रेन की टिकट मंगवा के रखना। सेठ जी क्या आप गाँव जा रहे हैं? अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो ढाबे वाले को भेज रहा हूँ। दुश्मन के गले में अपनी जीत का और उसकी हार का हार पहना कर रवाना करूंगा। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ, क्यों बाके, क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या, चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। क्या बकवास करता है? वो देखिए, ये इतनी भीड़ गई की यार, लोग लाइन लगा के क्यों खड़े? जो लोग बैठे खा रहे हैं ना, ये उठेंगे तब इनका नंबर लगेगा, ये खा के उठेंगे तो औरों का नंबर लगेगा। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ, इधर चलिए। आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना? तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पट्टे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी, तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत है? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आपके गांव की टिकट, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है, बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है तो एक चांस मैं आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काहे का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। अरे मेरी निकल पड़ी जी, बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया,
गाना बजाना पे काम है? अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम, क्या मैं खानदानी मीरासी हूँ। होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शक था, माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था, खानदानी मतलब रजवाड़ों के यहाँ गाता बजाता था, मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ। शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिखकर देता रहूंगा, बस आप सुर ताल संभालिए। मास्टर जी, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में आपका प्लास्टर उतर जाएगा, फिर तो आप भरतनाट्यम धूमधाम से कर सकते हैं। यह पर ऊपर क्या देख रहे हैं? अयो बेबी, हमें जमीन पे हाथी घोड़ा से लड़ सकता है, वो चौकरा से नहीं। वो चौकरा 2 बार हम पर गिर के बैठा के काला मिला है जी। अब वो चौकरा हमको मिलेगा ना, हम उसका टांग का काला मिलाएंगा। आप ही कैसी बातें करते हैं मास्टर जी। अरे मर गया रे मेरा टांग टूट गया, पकड़ो इन कमीनों को, हरा भी लोग। मेरा दूसरा टांग भी टूट गया अम्मा। सुनिए अजी, उठिए ना, उठिए ना अजी, उठिए, उठिए ना, उठिए। अरे क्या है बाड़ा गई, इनकम टैक्स की रेट पड़ी, क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे है और किरण अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, सो जाओ। कमाल है, बेटी रात भर लापता है और बाप खराके भरी नींद सो रहा है। इस बाप बेटी में झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप बेटी से इस तरह मुंह मोड़ ले। अरे मैंने मुंह नहीं मोड़ा भाग्यवान, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है जी? अब लगता है भांडा फोड़ना पड़ेगा। सुना एक बात बताता हूँ, बहुत रात की बात है, किसी को बोलना नहीं, कान लो। मैंने है ना अपनी बेटी को खुद किडनैप करवा लिया है। क्या? आपने किडनैप करवाया? पर क्यों? उस लुच्चे लफंगे ढाबे वाले के चुंगल से छुड़ाने के लिए। वो मेरा दामाद बनकर मेरे मुंह पे जूता मारना चाहता था, मैंने जूता ही छुपा लिया। ये क्या उठपटांग काम कर दिया आपने? उठपटांग नहीं, अपनी टांग को ऊपर रखने का यही एक तरीका था। अपनी इज्जत के लिए मैं खुद को किडनैप करवा सकता हूँ, तुमको उठवा सकता हूँ, क्योंकि घर के आंगन से अगर एक मरतबा इज्जत चली जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आती। नाक काट के रख देती है और मुझे अपनी नाक से बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को किडनैप करवा लिया। बताइए ना कहाँ है वो? अच्छा बता दूं? एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ? आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? अपनी बेटी जहाँ भी है ना बहुत आराम से, इसलिए तुम भी आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे कस के खराटे आ रहे हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। किरण, कौन है? 100 रुपए की छुट्टी है? अबे तू हमेशा यही 100 रुपए लेके घूमता, छुट्टी नहीं कराया अभी तक? क्या है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है तो मैंने आजकल ये छुट्टे उठे रखने बंद कर दिए। अपना मुंह कभी आईने में देखा है? देखा है, बहुत अच्छा है, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उसको मेरे साथ वो हो गया है और बहुत जल्दी हम लोग अपना वो करके अपना वो बसा लेंगे और आप वो देखते रह जाएंगे। वो क्या? इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीचड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। अच्छा आप अपने ख्वाब में अंडे देखते हैं? नहीं, मैं तुझको देखता रहता हूं। मैं तो वो अंडा हूं, जब फूटूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तू यहां से जाता है कि नहीं? अरे खैर, मैंने बहुत दिन हो गया मैंने अपनी धर्मपत्नी को होने वाले मतलब के धर्मपत्नी को नहीं देखा। किरण, किरण वो तुझसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बहुत दूर जा चुकी है। कहां जा चुकी? वो नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं पता लगा लूंगा। 7 जन्म में नहीं लगा सकता। अरे मैं ऊपर वाले से 8वां जन्म उधार लेकर पैदा हो जाऊंगा। 10 जन्म ले ले, अगर तू उसका पता लगा ले तो मैं तुझे मर्द का बच्चा मान जाऊं। अगर ऐसी बात है ना सेठ जी, तो मेरा भी नाम राजा नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर आप ही के मुंह से किरण का पता ना उगलवा लूं। बाहर जाके कर, इधर ही हॉल में करूंगा। तो सेठ जी, ये जूता भी लटका राजा भैया। आपने चैलेंज तो कर दिया, 24 घंटे में किरण को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन कैसे? सोच रहा है यार, कैसे सोच रहे दो? क्या बात है, क्या बात है सेठ जी, आज तो आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में मेंढक और कछुए खुश होते हैं। उल्लू के पट्टे, अबे किसी की तारीफ करते तो मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए। मैं कछुआ हूँ, मेंढक हूँ, क्या है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? अरे खुश क्यों नहीं होऊंगा,
आज मेरा दुश्मन मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होगा, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से आउट हो जाएगा। वो बबूल का कांटा है, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। एक बात बता, तू मेरा मैनेजर है, मुझसे पकार लेता है, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है वो बालों में चिपके चिंगम की तरह है, जब चिंगम बालों में चिपकता है तो उतनी जगह के बाल काटने पड़ते हैं, लेकिन चिंगम अपनी जगह नहीं छोड़ता। अबे जगह तो क्या, मैं तो शहर छोड़वा दूंगा। हंसता क्या है? मैं शहर तो क्या, मैं घर छोड़ने को तैयार नहीं हूं सेठ जी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, 24 घंटे गुजरने वाले हैं, उसके बाद तेरी हार और मेरी जीत। मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूं सेठ जी। तो क्या भरतनाट्यम में भंगड़ा करके हारेगा? वो तो पता नहीं, मगर आपसे तांडव और कुचिपुड़ी जरूर करवाऊंगा। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। इंस्पेक्टर अजगर सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए सर। अरेस्ट? मैं इसको नहीं, आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे किस जुर्म में? इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने अपनी बेटी का मर्डर किया है, खून। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। कानूनी तौर पर हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सिपाही दीवारें खोद डालो, सोफे फाड़ डालो, कारपेट उधेड़ डालो, झूमर नीचे गिरा दो, और फिर भी अगर लाश नहीं मिले तो बाहर बुलडोजर खड़ा है, इस मकान पे चला डालो। अरे ऐसे कैसे? अरे अरे आप पुलिस वाले हैं कि इनकम टैक्स वाले? खड़कुड़ खड़कुड़ कर क्या कर रहे हैं? सर के क्राइम ब्रांच से हमको खबर मिली है कि आपने इनकी अनारकली को अपने घर की किसी दीवार या खंभे में चुनवा दिया है। अनारकली टूट जाएगा यार। अनारकली सर, ये देखो लाश। लाश? अरे किरण, किरण, अरे इस कमीने बाप ने अपनी फूल जैसी बच्ची को मार डाल। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। तुम बाप ने जल्ला दो। अबे काय को नाटक कर रहा है यार, ये खून मैंने किया ही नहीं है। अरे चूड़ीदार मेरे किरण को। चूड़ीदार? ये हाथों की चूड़ियां भी वही है। अरे क्या खिला दिया, लड़की काली पड़ गई। लड़की काली मतलब जहर। मिस्टर केके, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको कम से कम 14 बरस की सजा होगी या सजा है मौत। अरे यार कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी किरण है ही नहीं। अरे लेकिन है तो है कैसे? इसलिए कि ये हो ही नहीं सकती है। अरे लेकिन है तो हो कैसे? इसलिए कि किरण ये आ ही नहीं सकती है। अरे आ गई है तो आ कैसे नहीं सकती? इसलिए कि मैंने उसको कैद करके रखा हुआ है। अरे छुट्टी है तो कैद कैसे रही? अरे मैंने उसको अपने पुराने बंगले में कैद करके रखा हुआ है। ये झूठ बोलता है, इसका एक ही बंगला, इसका दूसरा कोई बंगला? अरे बाबा मेरे पास खटाला में लाल टेकरी के बाद दूसरा बंगला है। थैंक यू, 24 घंटे में पता लगाना था, लगा लिया। मेरे पैसे? मेरे पैसे? कैसे पैसे? 500 रुपया। नाटक करने का? ये नाटक करी थी मेरे साथ यार, और तुम लोग कर रहे? किधर गई ये लड़की? चली गई। लड़की चली गई, फोन आ गया। फोन? हेलो बिल्ली, यहाँ को चूहा नहीं है, हट। हेलो, हाँ बिल्ली, मैं के कल चूहा। अच्छा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखना मैं उस ढाबे वाले की कैसे छुट्टी करता हूँ। कल सुबह मेरा दोस्त अमेरिका से यहाँ लैंड कर रहा है। और बोल रहे हो, अमेरिका से लेकर यहाँ तक सफर कैसा रहा? अरे यार, तुम्हें मिलने की खुशी में पता ही नहीं चला कि अमेरिका से लंदन और लंदन से यहाँ कैसे पहुंच गए। अंकल, आपकी डॉटर किरण हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आई? बेटे क्या है, हिंदुस्तानी लड़कियां जो है ना वो शर्मीली होती हैं, इसीलिए शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलती हैं वो। ओह आई सी, बट यू डोंट वरी अंकल, एक बार उसकी हमारे साथ शादी हो गई ना तो हम उसको अमेरिका ले जाके इतना मॉडर्न बना देगा कि वो हमारे साथ खुल्ला खुल्ला रोमांस करेगी। अंकल वो देखो। कैसे चिपक चिपक के बैठे हैं, बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही है। नो एयर इज पासिंग। अरे केके, तू क्यों शर्मा रहा है यार? अरे अब लड़का लड़की ऐसी बेशर्मी कर रहे हो तो अपने जैसों को तो शर्मा नहीं पड़ता है ना। किरण, किरण, ओहो क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे आप तो एयरपोर्ट गए थे अपने दोस्त को लाने, कहाँ है वो? उनको मैं होटल में छोड़ के आया हूँ,
ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। डैडी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा से करूंगी, नहीं तो मैं। सुनो मेरी बात, उस भिखारी से तुम्हारी शादी इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं हो सकती है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे दोस्त के बेटे मैक के साथ, और अगर तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। कल तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है और वहां मैं तुम्हारी एंगेजमेंट का ऐलान करने वाला हूं, और अगर तुमने उस पार्टी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू डार्ट। वेरी बैड। मेरा होने वाला फादर इन लॉ तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला लगता है। इडियट, ऐसी बेवकूफी की बातें मत किया करो। डोंट वरी डार्ट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मैं घर जमाई बन जाता हूँ। शट अप। क्या हाल है बलदेव जी? अरे यहाँ के कहाँ तुम? तुम्हारे बिना तो पार्टी की रौनक ही नहीं। अरे मेरे पार्टी की रौनक तुम हो, तुम्हारा बेटा है। कैसे बेटा? फर्स्ट क्लास अंकल, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंकल आपकी वो डॉटर नजर नहीं आ रही है? जब तक इनकी डॉटर नहीं आती आप गर्म वाटर की तरह उबलते रहिए उनकी फोटो देखकर। वो रही उनकी फोटो। डॉट, वेरी बैड। ये तो वही लड़की है डॉट जो उस मोटर बाइक वाले लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठी थी कि बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही थी। डैड। नहीं नहीं, वो कोई और लड़की होगी। ये तो मेरी बेटी है, क्यों आ गया? ये सज्जी की बेटी है, लेकिन ये वही लड़की है जिसको आपने देखा। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? अरे यार तो बड़ा हंगामा है यार, ये साला कहाँ से आ गया? डैड, वेरी वेरी बैड। ये तो लड़का भी वही मोटर बाइक वाला है डैड। तो फिर आ गया? अरे सेठ जी आपके पास 500 रुपए का छुट्टा है? 100 से 500 रुपए उतर आया। अब क्या बताऊं, पहले रिक्शा में आता था, आज टैक्सी में आया हूँ। आपकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। मैं तेरे को यहाँ बुलाया किसने? बताइए, अपने ही ससुराल में आने, समझ रहा हूँ, ससुराल में आने के लिए दामाद को पूछ के आना पड़ेगा क्या? बस थोड़ी सी तबियत मचली, आँख फड़की, छाती धड़की और घरवाला घरवाली से मिलने चला आया। कहाँ है मेरी घरवाली? अबे ये सपने देखना बंद कर, आज मेरी बेटी की मंगनी मेरे दोस्त के बेटे मैक के साथ होने जा रही है और बहुत जल्द उसकी दुल्हन बनकर अमेरिका चली जाएगी। अरे अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी धारा भी नहीं जा सकती, चिंच पोखली नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो आपके होने वाले रिश्तेदार के साथ ही जाएगी। रिश्तेदार? अबे तू मेरा चौकीदार भी नहीं बन सकता। हाथ मत उठाना। ए सर जी, ए सर जी, ए सर जी, ए सर जी,